हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रतिमा और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रतिमास परी किचन में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी स्नैक्स, दही के शोले की रेसिपी। इसे दही के ब्रेड रोल भी कहते हैं। ये दिल्ली की बहुत ही फेमस स्ट्रीट स्नैक्स की रेसिपी है। आपने दोस्तों इसे रेस्टोरेंट में या स्ट्रीट में जरूर ट्राई किया होगा। क्या आपने दोस्तों दही के शोलों को कभी घर पर बनाना ट्राई किया है? तो आज मैं दोस्तों आपको घर पर बहुत आसान तरीके से ये दही के शोले की रेसिपी बनाना बताऊंगी, जिससे कि आप घर पर आसानी से ये स्नैक्स बना सकते हैं और ये दही के शोले खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो चलिए दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं और देख लेते हैं दही के शोले बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। दही के शोले बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड स्लाइसेस, हंकर, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ एक प्याज, गाजर, तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रेट किया हुआ पनीर, काली मिर्च पाउडर, मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, नमक, हरी धनिया और कुकिंग ऑयल लिया है। तो चलिए दोस्तों रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दही के शोले बनाने के लिए हमें चाहिए होगा हंकर। उसके लिए दही को इस तरह से किसी कपड़े या स्ट्रेनर में रख कर 1 आवर के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि दही का सारा एक्सेस वाटर निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब हम एक बोल लेंगे और इसमें ये हंकर निकाल लेंगे। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे फाइन चॉप्ड कैप्सिकम, अनियन, ग्रेट किया हुआ गाजर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रेट किया हुआ पनीर, काली मिर्च पाउडर, मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, स्वाद के अनुसार नमक और लास्ट में हरी धनिया भी डाल देते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दही के शोले के लिए स्टफिंग रेडी है। तो चलिए दोस्तों अब दही के शोले के रोल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे ब्रेड स्लाइस और इसके किनारे कट करके हटा देंगे। अब ब्रेड पर थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। ब्रेड स्लाइस को बेलने के बाद हम लेंगे स्क्वायर शेप का पॉलीथीन, और ध्यान रहे पॉलीथीन सॉफ्ट होनी चाहिए। अब ब्रेड स्लाइस को पॉलीथीन के ऊपर रखेंगे और स्लाइस के ऊपर जो स्टफिंग रेडी किया है उसे डालेंगे, लगभग 1 चम्मच। फिर ब्रेड को इस तरह से रोल करेंगे और इसके बाद पॉलीथीन से इस तरह से ब्रेड को रोल करते जाएंगे। अब हल्के हाथों से इसे ट्विस्ट कर देंगे दोनों साइड से इस तरह से। ये देखिए, ये लीजिए, एक रोल रेडी है। इसी तरह से सारे रोल रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे दही के शोले के रोल रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए फ्लेम ऑन करके ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब एक एक करके सभी दही के शोले को ऑयल में डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। इस समय फ्लेम को हाई टू मीडियम रखेंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई होने देंगे। लगभग 2 मिनट के बाद इन्हें पलट देंगे, जिससे कि ये दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। इसी तरह से इन्हें अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया है। दही के शोले अच्छे से फ्राई हो गए। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं और इन्हें अब सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और बेहद क्रीमी दही के शोले बन करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप इन्हें किसी भी सॉस, केचप या डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इन्हें शाम के नाश्ते में झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी ये दही के शोले या दही के ब्रेड रोल की रेसिपी बनाना जरूर ट्राई कीजिए। और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिमास परी किचन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय।